मुलताई थाने में रेप पीड़िता की शिकायत और पुलिस के ठुमकों पर बैतूल पुलिस अधीक्षक ने कहा होगी कार्रवाई। बैतूल मामला मुलताई का है, जहां पर एक संगीन मामला आया है जिसमें पुलिस ठुमके लगाते नजर आई है। कहते हैं ये कैसा पुलिस का रवैया, एक तरफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने सुबह से शाम तक थाने में बैठी रही पीड़िता, वहीं पुलिसकर्मी ने उसकी एक भी शिकायत नहीं सुनी। दूसरी तरफ टीआई और समस्त पुलिसकर्मी डांस करने में मशगूल थे क्योंकि एसडीओपी की रिटायरमेंट की पार्टी थी। मामला मुलताई थाना क्षेत्र का है, जहां पर 1 तारीख को नए कानून में संशोधन हुआ, वहीं पर एसडीओपी के सेवानिवृत्त पर हुए विदाई समारोह का जश्न पूरा पुलिस बल मना रहा था। घोड़े पर सवार दूल्हे की तरह एसडीओपी सवार थे और टीआई सहित पुलिसकर्मी खाकी वर्दी का अपमान करते हुए ठुमके लगा रहे थे। वीडियो में टीआई राजेश सातनकर वर्दी पहनकर सड़क पर डांस कर रहे थे, तो वहीं थाने में बैठी दुष्कर्म की पीड़िता को बिना एफआईआर दर्ज किए लौटा दिया। पीड़िता महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद एक युवक ने उसे सहारा देने के बहाने उसका शोषण किया और अब फरार है, जिसकी शिकायत करने वह थाने पहुंची थी, लेकिन शाम तक शिकायत नहीं लिखी गई और अब पुलिस अधीक्षक इस मामले को गंभीरता से लेते कार्रवाई की नियमानुसार बात कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है और आगे कदम पुलिस का क्या होता है कि इसी प्रकार रिटायरमेंट की पार्टी में थाने के सामने पुलिसकर्मी डांस करते नजर आएंगे। दुष्कर्म पीड़िता, उनका ये कहना है कि उनका जो है शोषण किया गया एक व्यक्ति द्वारा और वो उनके साथ शादी करना चाहती लेकिन अब वो मान नहीं रहे हैं, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, पुलिस महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। कल भी एक घटनाक्रम जानकारी में आया था जो कि मुलताई थाने का है और उस महिला को अटेंड किया गया है और उसकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई की जा रही है। महिला ने जो तथ्य बताए हैं उसका परीक्षण कराकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, दूसरी ये बात सामने आई कि जिस दौरान महिला थाने में थी उस समय एसडीओपी सर के रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी और वर्दी में होते हुए भी टीआई साहब को रोड पर डांस करते हुए देखा गया, काफ़ी देर ये चला, तो पुलिस के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति वर्दी में है तो क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह से शालीनता बरतनी चाहिए? देखिए, जो भी घटनाक्रम हम बता रहे हैं और उसकी विधिवत जांच करा ली जाएगी, यदि किसी प्रकार के नियमों का या किसी चीज़ का उल्लंघन हुआ है तो उस पर कड़ी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एक अनुशासित विभाग है और इस पर किसी भी नियमों के उल्लंघन की इजाज़त नहीं है। यदि शासन के किसी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर, एक सामान्य से सवाल है कि वैसे वर्दी जब पहने होता है कोई पुलिसकर्मी तो उसके लिए क्या नियम है, क्या वो इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर डांस आदि कर सकता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अभी आपका ये कहना है, अभी जिस वीडियो या जिस किसी घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं उसका परीक्षण अभी किया नहीं गया है, ऐसा आपका कहना है और वीडियो हमारे नॉलेज में आएगा। अभी तक तो किसी ने शिकायत भी नहीं करी, लेकिन उसका स्वतः संज्ञान लेकर यदि ऐसी कोई स्थिति बनी है और किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन हुआ है हम उस पर कार्रवाई करेंगे।